रेडियो अम्बेडकर नगर 90.4 एफएम से मैं हूं आलोक और आप सुन रहे हैं जनता की बात शो। और हमारे शो में आज हैं समाज कल्याण अधिकारी अम्बेडकर नगर विक्रम कौशल जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी बेसिकली मैं रहने वाला गोंडा का हूँ। जी और इसके अलावा जैसे पहली पोस्टिंग आपकी अम्बेडकर नगर में हुई है या फिर इसके पहले भी आप कहीं और पोस्टेड थे? जी इससे पहले मेरा यूपी पीसीएस 2021 में डीसीएस के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पर चयन हुआ था। जी जिसमें मैं मिर्जापुर में पोस्टेड था 4 महीने के लिए एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर। ओके। उसके बाद आपकी दूसरी पोस्टिंग? और ये समाज कल्याण अधिकारी ये यूपी पीसीएस 2022 के एग्जाम के थ्रू ये मेरी पहली पोस्टिंग है अम्बेडकर नगर में। जी जी धन्यवाद जानकारी के लिए। जैसे कि समाज कल्याण विभाग में बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो समाज के हित में चलाई जाती हैं और लोगों को जानकारी होती भी है, बहुत सारी जानकारियां लोगों को अभी आज शो में मिलेगा भी। हमारा जो शो जनता की बात है इसमें हम जानकारी जिससे लोगों को फायदा हो या फिर ये वैसे किसी को अगर कोई समस्या हो किसी योजना से किसी चीज़ से तो उसमें लोग कह सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। तो आज जो है कुछ सवाल हम अपनी तरफ से पूछेंगे और लोगों की तरफ से पूछेंगे जिससे और भी जानकारी लोगों को क्लियर हो सके। जी सबसे पहले वृद्धा पेंशन योजना के बारे में बताइए और इसका लाभ कौन और कैसे उठा सकता है, पूरी पात्रता के बारे में आप बताइए। देखिए वृद्धा पेंशन योजना में जिनकी आयु सीमा 60 वर्ष या उससे अधिक है जी वो पात्र होते हैं। जी जिनमें इनकम क्राइटेरिया मेन होता है जिसमें शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो इनकम क्राइटेरिया है वो 56,460 रुपये है जी। और जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनका 46,080 रुपये वार्षिक ये आय सीमा होती है जी। वही पात्र होते हैं इसके लिए। इसमें 1,000 प्रतिमाह पेंशन के तौर पर मिलता है। और जो कि क्वार्टर बेस पे दिया जाता है जी। इसमें मुख्यतः जो आवेदन से लेकर भुगतान तक की समस्त प्रक्रिया है वो पूर्णतया ऑनलाइन है, तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक योजना है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जी, तो इसका कहाँ पे ऑनलाइन करना है, किस वेबसाइट पे करना है, इसकी पात्रता क्या है? देखिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जो है वो पूर्णतः ऑनलाइन है जी। और इसका जो वेबसाइट है वो nsbs.upsdc.gov.in है जी। इसमें जो लाभार्थी हैं उसकी मृत्यु होने के पश्चात इसमें उनके परिवार को इसका लाभ दिया जाता है जिसमें मृतक की जो आयु है वो 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, उसके मृत होने के एक साल के अंतर मतलब भीतर ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए इस लाभ को पाने के लिए। इसमें 30,000 रुपये एक मुश्त की धनराशि प्रोवाइड की जाती है। इसमें भी आय सीमा तय है जो कि शहरी क्षेत्र के लिए 56,400 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये वार्षिक होना चाहिए। और आवेदन से लेकर भुगतान तक की समस्त प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है, लाभार्थी को सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसा पहुंच जाता है। अच्छी योजना है लेकिन क्या है कि सबको अच्छे से पता हो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग इससे छूट जाते हैं क्योंकि जानकारी के अभाव में। शायद मेरा जितना अभी तक वो है, मैं क्षेत्र में जब रहता हूँ तो कुछ लोग मिलते हैं कि हमने ऑनलाइन करने के लिए किसी और को दे दिया और हमने प्रधान जी को कह दिया तो वो फिर अटक ही जाता है। बट मैं चाहता हूँ कि लोग डायरेक्टली करें और खुद जनसेवा पे जा करके करवाएं तो और अच्छा काम हो और उनको मिल जाएगा, उम्मीद है ये। जी बिल्कुल। एक और बहुत बड़ी योजना है जो हमें लगता है शायद नहीं आई है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जी। ये किसके लिए है और इसका लाभ उठाने के लिए क्या करें? देखिए प्रदेश में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हमारी चलती हैं, सिविल सेवा, IIT, JEE जी, CDS और अभी पुलिस का एग्जाम हो रहा है रिसेंट में UPP, तो इसमें जो प्रतिभाशाली हमारे छात्र होते हैं उनको निःशुल्क मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग एक एग्ज़ाम कराते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें जो हमारे पात्र छात्र होते हैं उनको हम एडमिशन लेते हैं। और किस टाइप का मतलब कितना क्या इसका क्वालिफिकेशन? नहीं कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है, एक जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनको मतलब एक तरह से और अच्छा करने के लिए हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए। हाँ इसमें जैसे कि दूर के बच्चे, जैसे क्या होता है कि जो नजदीक के बच्चे होते होंगे जहाँ पे आपका कहाँ पे वैसे इसका सेंटर अलॉट होता है, क्या जिले में मेन जहाँ पे जैसे शहर में या फिर दो चार सेंटर होते हैं?
देखिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए एक एक सेंटर हमारा बना हुआ है, जैसे आईआईटी जेई के लिए बना हुआ है अलग, वो हमारा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में चलता है, और हमारा यूपीएससी का जो है और यूपीपीसीएस का जो बीएनकेबी इंटर कॉलेज पीजी कॉलेज में है। तो ऐसे हमारे कई सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है बच्चों। तैयारी करवाने वाले टीचर की एलिजिबिलिटी क्या होती है? देखिए, इसमें क्या होता है कि हम एक जिला स्तरीय समिति द्वारा इनका इंटरव्यू कराते हैं, और उसमें चयन होने के बाद इनका हम डेमो क्लास कराते हैं। डेमो क्लास हमारा 3 या 4 डेमो क्लासेस चलते हैं, फिर उसमें हम बच्चों से फीडबैक लेते हैं जी, और बच्चों का जो फीडबैक रहता है कैसा पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, टीचर अच्छा है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस माध्यम से फिर हम टीचर्स का चयन करते हैं। इसमें एक और योजना को हम आपसे पूछना चाहेंगे, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक बहुत बड़ी योजना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, कैसे हम इसमें जो लोग हैं लाभ ले सकते? देखिए, सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो 18 वर्ष से अधिक की कन्याएं हैं हमारी, वो अपने विवाह के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं जी। तो इसमें इसका एक पोर्टल है cmsvy.updc.gov.in, इस पे जाकर आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं जी। इसमें दांपत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में डायरेक्ट 35,000 रुपये की धनराशि अंतरित की जाती है, और जो विवाह संस्कार होता है उसके हेतु हम आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि कुल 10,000 रुपये के सामान को कन्या को देते हैं जी। और इसमें प्रति जोड़े विवाह आयोजन पर 6,000 रुपये का व्यय किया जाता है, जिसमें भोजन और जहाँ पे टेंट वगैरह लगता है वहाँ जहाँ सारा प्रोग्राम होता है उसके लिए खर्च होता है। कुल मिलाकर प्रति जोड़ा जो है 51,000 की राशि व्यय की जाती है, और इसमें जो कन्या के परिवार की वार्षिक आय है वो 2,00,000 रुपये वार्षिक होनी चाहिए। एक और योजना है अनुसूचित जाति छात्रावास योजना जी, तो ये कैसे काम करता है और इसको कौन कौन से जो छात्र छात्रा हैं इसका लाभ उठा सकते हैं? अनुसूचित जाति जो छात्रावास योजना है जी, इसके अंतर्गत हम बच्चों जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं शहर में रहकर, तो उनको आवासीय व्यवस्था, विद्युत और फर्नीचर आदि की सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब एक तरह से रहने के लिए उनको आश्रय दिया जाता है, वो वहाँ पे अपना रहते हैं और अपनी तैयारी पढ़ाई वगैरह करते हैं। के अंतर्गत हमारे ज़िले में 6 छात्रावास संचालित हैं जी, जो कि अकबरपुर, टांडा, नौसांडा, इंदईपुर, नरियाँव और बारऊ जालाकी जी। जो बारऊ जालाकी का है वो बालिका का है, बाकी सारे बालक के हैं जी। और इसमें 70% SC और 30% जनरल और OBC के बच्चों को लिया जाता है जी। बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम लोग जानकारी किए और लोगों ने सुना भी, और समाज कल्याण की विभाग की जो योजनाएं हैं बहुत सारे लोग इसको अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन कुछ लोग या कुछ स्थान पे मान लीजिए कि प्रचार या फिर किसी तरीके से अभाव के कारण लोग नहीं जान पाते, तो आप जो अभी क्या ऐसा कदम या क्या ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे 100% लोगों को हर योजनाओं के बारे में पता चले? जी देखिए, प्रचार प्रसार के लिए एक तो आज आप ही का माध्यम है, हम रेडियो के थ्रू आपके चैनल के थ्रू लोगों को, इतने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं जी। हम चाहते हैं कि लोग जैसे ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं के बारे में जाने। इसके अतिरिक्त CDO सर के संरक्षण में और उनकी लीडरशिप में हम लोग विकास भवन में, देखिए आपने देखा ही होगा कि हम सारे बोर्ड्स लगा रहे हैं, LED बोर्ड्स लगा रहे हैं, और उन्हीं के CDO सर के मार्गदर्शन में ये सारा काम हो रहा है। वाकई में LED बोर्ड का जो मतलब एक कार्यक्रम है, जो प्लान है, वो जैसे अगर CDO सर ने अगर उसको सोचा तो बहुत अच्छा सोचा है। कभी भी आप कोई दिन में रात में जाए तो बहुत अच्छा लगता है, और एक एक योजना के बारे में वो जान सकता है। सवाल मेरे मन में आता है कि वैसे तो आजकल सब कुछ लगभग योजना ऑनलाइन हो गया है, लेकिन फिर भी अगर बात करें कभी कभार कुछ कर्मचारियों द्वारा या फिर किसी के द्वारा ऐसा घूस का मांग या फिर कुछ भी किसी भी सहायता शुल्क के नाम पे कभी कुछ बोल दिया या ले लिया, तो ये चीज को रोकथाम के लिए आपका क्या प्लान है, आप किस तरीके से इससे पूछते हैं जी? इसके लिए मैं मतलब कि अपने कार्यालय में मैं खुद का पर्सनल नंबर
लगवा दूंगा। अगर किसी को बिचौलियों के थ्रू परेशान किया जाता है तो वो उस नंबर पे कॉल करके मुझे सूचित कर सकते हैं, फिर हम उस पर एक्शन लेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी किसी योजना के बारे में समस्या उसे आ रही है तो विकास भवन में आपका कमरा नंबर कौन सा है, कैसे वो डायरेक्टली आपसे मुलाकात कर सकते हैं अगर मान लीजिए किसी को समस्या है? देखिए विकास भवन में हमारा जो रूम नंबर है वो 57 है और नीचे एकदम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही है। और जैसे आप इंटर करेंगे तो सामने ही बोर्ड्स लगे होते हैं, सारे विभाग के कार्यालय संख्या लिखी होती है, वहाँ से आप देखकर हमारे तक पहुँच सकते हैं। हमें एक आपके विभाग से कुछ पता चला है कि आप कविताएं लिखते हैं और कविताओं का शौक भी है आपको, तो अब लगभग बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम लोग जान भी चुके हैं, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना कुछ कविता हो जाए एक दो कम से कम। एक कविता मैंने लिखी थी, जो हमारा ये जर्नी चलता रहता है, सफ़र जो हमारा होता है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है और मंजिल पे पहुंचकर हमें वो खूबसूरती नहीं दिखेगी, तो उस पर मैंने एक पोएम लिखा था कि जो गुजर रहा हूँ इन लम्हों में, जो गुजर रहा हूँ इन लम्हों में, मैं हूँ तेरा सफ़रनामा, और गुजरूँगा जो आगे भी तो कहलाऊँगा तेरा सफ़रनामा। कुछ खट्टे कुछ मीठे यादों में गुनगुनाऊँगा और तैरूँगा आंसुओं में भी और हंसी के झरनों में भी नहाऊँगा। रंग रूप की क्या बात करूँ, जैसे किसी बर्तन में रखे पानी की तरह मेरा जामा, जो गुजर रहा हूँ इन लम्हों में, मैं हूँ तेरा सफ़रनामा। इसमें और आगे की पंक्तियाँ इस तरह हैं कि कोरे कागज़ जैसे मेरे हाथों की सजावट है, खिंच जाता हूँ वैसी ही लकीरों में जैसी जिसकी लिखावट है, शख्सियत यूँ जुड़ जाती है मुझसे, ये है मेरा कारनामा, जो गुजर रहा हूँ इन लम्हों में, मैं हूँ तेरा सफ़रनामा। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, सर ने लिखा है, काफी अच्छा लिखा है, आपने खुद लिखा है? जी बिल्कुल, ये मेरी खुद की पोयम। और पोयम की बात हुई तो कभी सिर्फ और सिर्फ इस पोयम पे ही पूरा एक इंटरव्यू करेंगे, एक शो बनाएंगे जी। तो उसमें पूरा चर्चा करेंगे। लगभग बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम लोगों ने बात किया और भ्रष्टाचार या फिर कोई शिकायत हो सर से आप लोग को मिलना हो, अगर कुछ भी आपको उनसे बात करना हो तो आप सर से डायरेक्टली मिल सकते हैं। कभी भी आप विकास भवन में जाकर के योजनाओं के लाभ के बारे में कोई समस्या हो रही है तो मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर कोई समस्या है आप हमसे भी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर या फिर हमारा नंबर आपको रेडियो अम्बेडकर नगर पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।